जूस पीना सभी को बहुत ही अच्छा लगता है। आज मैं अनानास के जूस बनाने जा रही हूँ। ये अनानास के जूस बहुत ही अच्छे लगते हैं पीने में और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के बने जूस बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने अनानास को पूरा छिलका सहित मैंने ख़रीदा था। इसे घर में ही अच्छी तरह से छील लिया। देखिए, मैं इसे छिलके भी छील लिया है। देखिए, अच्छी तरह से छिला गया है। अब इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखिए, मैं इसे कर रही हूँ। इसके पहले चार टुकड़े कर लेंगे। मैंने इसे चार टुकड़े कर लिया है। अब इसके बीच के जो हिस्से रहते हैं वो कड़े होते हैं, इसलिए उसको हटा देंगे। देखिए, मैं इसे हटा दे रही हूँ। सभी के बीच के हिस्से को हटा देंगे। सभी के बीच के हिस्से को मैंने हटा दिया है। अब इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। सभी अनानास के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिया है। अब एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें डाल करके इसे पीस लेंगे। अगर आपके पास जूसर है तो आप जूसर से जूस इसके निकाल सकते हैं। उससे भी बहुत ही आसानी से जूस निकल जाते हैं। मैंने अनानास को अच्छी तरह से पीस लिया है। देखिए, ये कितने गाढ़े हैं। ये जूस बहुत ही गाढ़े हैं, इसमें बहुत ही झाग भी है। अब इसे एक बर्तन लेंगे और इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। बाज़ार में तो इतने अच्छे जूस नहीं मिलते हैं। मैंने बाज़ार में जूस पिया था तो एकदम पतले थे और उसमें बिल्कुल भी झाग नहीं था। उसके बाद हम लोगों ने फैसला किया कि घर में ही जूस निकाल करके पिएंगे। तो हम लोगों ने हमेशा घर में ही जूस निकाल करके पिया है। अब देखिए कितनी अच्छी तरह छना गया है। नीचे भी कितने सारे गूदे थे, सब अच्छी तरह से निकल गए हैं। देखिए, थोड़ा सा ही सिर्फ सिट्ठी निकला है इसका। अरे, कितने झाग भी हैं और कितने अच्छे हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट भी है पीने में। अब इसमें आधा चम्मच से कम काला नमक डाल देंगे और पीसी हुई गोलकी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। काला नमक और गोलकी पाउडर डालने से इसके जो खट्टापन रहते हैं वे ख़त्म हो जाते हैं और पीने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ। अनानास के जूस बन करके तैयार हो गए हैं। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप घर पर ही बनाइए और आप भी पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। घर के बने हुए जूस बहुत ही अच्छे होते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा गोलकी पाउडर ऊपर से डाल दिया है। अगर आपको ठंडा पीना है तो आप इसमें बर्फ़ डाल करके पी सकते हैं। ऐसे अभी मौसम बहुत ठंडा है, इसलिए मैंने इसमें बर्फ़ नहीं डाला है। इसे आप बनाइए, पीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये कैसे बने हैं।